लेक्चर नंबर 2 एफएससी पार्ट 2 बायोलॉजी चैप्टर नंबर 15 ऑस्मोरेगुलेशन। टुडे आवर टॉपिक इज वाटर रिलेशंस ऑफ सेल। सेल के अंदर हमने वाटर का जो रिलेशन है उसको आज स्टडी करना। तो इस टॉपिक को अंडरस्टैंड करने से पहले हमें डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज हैं उनका पता होना चाहिए, देन हम वाटर का रिलेशन सेल के साथ जो है वो इजीली अंडरस्टैंड कर सकेंगे। तो सबसे पहले टर्मिनोलॉजी हमारे पास डेफिनेशन है टॉनिसिटी। व्हाट इज टॉनिसिटी? बेसिकली सॉल्यूट और सॉल्वेंट के दरमियान जो रिलेशनशिप होता है दैट इज नोन एज टॉनिसिटी। अब सॉल्यूट और सॉल्वेंट का हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज सॉल्यूट एंड व्हाट इज सॉल्वेंट। सॉल्यूशन की हम बात करते हैं जब, तो हम कहते हैं सॉल्यूशन जो है टू कंपोनेंट्स यानी कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मिलने से बनता है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट जब मिलते हैं तो वो सॉल्यूशन बना देते हैं। अब सॉल्यूशन के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक चीज़ जो है एक सब्सटेंस लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है और दूसरा सब्सटेंस स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। ऐसा सब्सटेंस जो सॉल्यूशन के अंदर स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट हो दैट इज़ नोन एज सॉल्यूट, हम उसको सॉल्यूट का नाम देते हैं, और जो ज़्यादा मिकदार में मौजूद हो वो सॉल्वेंट कहलाता है। एक ग्लास पानी लें आप, उसके अंदर एक टेबलस्पून शुगर मिक्स करें, ठीक है? तो एक ग्लास पानी की मिकदार ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू वन टेबलस्पून, ठीक है, वन टेबलस्पून ऑफ शुगर। तो जो हमारे पास ज़्यादा क्वांटिटी है डैट इज़ वाटर, वाटर की है, तो वाटर क्या है? सॉल्वेंट। और सॉल्यूट क्या है? शुगर, जो कि स्मॉल क्वांटिटी। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के दरमियान रिलेशनशिप को हम टॉनिसिटी का नेम देते हैं। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है ऑस्मोसिस। व्हाट इज ऑस्मोसिस? डिफाइन इसको हम किस तरह से कर सकते हैं ऑस्मोसिस को? मूवमेंट ऑफ वाटर, पानी की मूवमेंट होती है बेसिकली फ्रॉम लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन टू हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन रीजन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इस डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए हम इस डायग्राम को समझते हैं, देन आपको ऑटोमेटिकली वो डेफिनेशन क्लियर हो जाए। हमारे पास दो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन वन, ये हमारा सॉल्यूशन वन है और ये हमारे पास सॉल्यूशन टू है, ठीक है? अब सॉल्यूशन हमने अभी कहा कि दो सब्सटेंस होते हैं, एक होता है सॉल्यूट और दूसरा हमारे पास क्या होता है? सॉल्वेंट। ये ब्लू में जो है वाटर डैट इज सॉल्वेंट और ये ब्लैक में सॉल्यूट प्रेजेंट है, सॉल्यूशन टू की बात की। अब दूसरी साइड पे भी सॉल्यूशन वन है, इसमें भी सॉल्वेंट वाटर भी प्रेजेंट है और सॉल्यूट भी प्रेजेंट है। अब सॉल्यूशन टू में आपको नज़र आ रहा है कि जो सॉल्यूट है उसकी क्वांटिटी कम है, सॉल्यूट जो है वो कम प्रेजेंट है, ठीक है? और इस साइड पे सॉल्यूशन वन में सॉल्यूट ज़्यादा है। तो आपने याद रखना है यहाँ पे कि जो सॉल्वेंट है हमारा, जो वाटर है, वो हमेशा लो सॉल्यूट, जहाँ पे सॉल्यूट कम होगा वहाँ से मूव करके कहाँ पे जाएगा? उस साइड पे जहाँ पे सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो, ठीक है? सॉल्वेंट जो है वो लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन एरिया से मूव करके हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन एरिया तक जाता है, ठीक है? थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये जो आपको अंदर ब्लैक लेयर नज़र आ रही है डैट इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। व्हाट इज सेमी परमिएबल? व्हाट इज मेंट बाय सेमी परमिएबल? परमिएबल कहते हैं परमिट करना, इजाज़त देना, परमिशन, अलो करना। सेमी समथिंग्स को ये अलो करती है कि ये से पास आउट हो जाए और कुछ को ये ब्लॉक कर देती है, ऐसी मेम्ब्रेन को हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। अब डेफिनेशन में हमने क्या कहा था? मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन, ये देखिएगा इस साइड पे क्या है, लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन है, तो मूवमेंट होगी वाटर की फ्रॉम लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन टू हाई सॉल्यूट। इधर क्या है? सॉल्यूट हाई, ज़्यादा कंसंट्रेशन रीजन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। होप सो कि आपको ऑस्मोसिस का जो है कॉन्सेप्ट वो क्लियर हो गया। नेक्स्ट अब हम रिलेशनशिप देखेंगे वाटर का सेल के साथ, कि सेल जो है वो वाटर के साथ या सॉल्यूशन के साथ किस तरह से जो है वो रिएक्ट कर रहा होता है या किस तरह से उसके ऊपर इफेक्ट करता है सॉल्यूशन। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, तीन बीकर्स ले लेते हैं, ठीक है? थ्री बीकर्स लेंगे, नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री।
इनके अंदर अब बीकर के अंदर जो है वो सॉल्यूशन प्रेजेंट है। तीनों बीकर्स के अंदर क्या प्रेजेंट है? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन है, सॉल्यूट भी होगा, सॉल्वेंट भी होगा, ठीक है। सॉल्यूशन प्रेजेंट है और रेड ब्लड सेल्स हमने इस सॉल्यूशन के अंदर रखे हुए, रेड ब्लड सेल्स, एक एक सेल जो है वो हमने सॉल्यूशन के अंदर रखा है। अब देखना है कि सॉल्यूशन का जो वाटर का क्या इफेक्ट होता है सेल के ऊपर। हमने कहा कि हमने सॉल्यूशन के अंदर सेल रखा है। अब आपने एक बात जो है वो क्लियर कर लिया सबसे पहले कि बीकर का जो इन्वायरमेंट है या जो सॉल्यूशन है इसको हम कहेंगे एक्सटर्नल सॉल्यूशन, ठीक है, और सेल के अंदर के सॉल्यूशन को हम कहेंगे इंटरनल सॉल्यूशन, ओके। अब इधर भी सॉल्यूट भी प्रेजेंट है, सॉल्वेंट भी, और इधर भी सॉल्यूट भी प्रेजेंट है और सॉल्वेंट भी प्रेजेंट है। बेसिकली ये जो डायग्राम्स ड्रा की हैं, दिस डायग्राम इज फॉर हाइपोटोनिक, डिस्कस करते हैं इसको क्या होता है। दिस इज फॉर आइसोटोनिक एंड दिस इज फॉर हाइपरटोनिक, ए बी एंड सी, ओके। अब इनका हमने सेल का रिलेशनशिप देखना है वाटर के साथ। बी को पहले स्टडी करते हैं, आइसोटोनिक को। आइसोटोनिक सिचुएशन में क्या होता है कि जितना सॉल्यूट एक्सटर्नल सॉल्यूशन में प्रेजेंट है उतना ही सेम सॉल्यूट इंटरनल यानी कि इनसाइड प्रेजेंट होगा। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है 5 पार्टिकल्स हैं सॉल्यूट के और इनसाइड सेल भी कितने हैं 5, यानी कि सॉल्यूट क्या है, इनसाइड सेल और आउटसाइड द सेल सेम। तो जब सॉल्यूट जो है वो सेम होता है, इनसाइड और आउटसाइड सेम होता है, तो जो वाटर की या सॉल्वेंट की मूवमेंट है वो ज़ीरो हो जाती है। सेल के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि ना वाटर अंदर जाएगा ना बाहर आएगा, कोई इफेक्ट ही नहीं है। वाटर मूवमेंट क्या हो जाती है? ज़ीरो, क्योंकि सॉल्यूट की कंसंट्रेशन क्या है? इक्वल है। सॉल्यूट की कंसंट्रेशन के चेंज होने से ही वाटर या सॉल्वेंट क्या करता है? मूव करता है। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम आइसोटोनिक कहेंगे जिसके अंदर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन सेल में मौजूद सॉल्यूट के कंसंट्रेशन के बराबर हो। तो सेल जो है हमारा नॉर्मल रहता है। सेल क्या रहेगा? नॉर्मल सेल रहेगा क्योंकि वाटर की कोई मूवमेंट नहीं हो रही। रेड ब्लड सेल क्या रहेगा? नॉर्मल। इसी तरह हम हाइपोटोनिक की बात करते हैं। हाइपोटोनिक में क्या होता है कि जो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन है एक्सटर्नल सॉल्यूशन के अंदर वो कम होती है और इनसाइड क्या होती है? ज़्यादा होती है। तो हमने ऑस्मोसिस में भी हमने डिस्कस किया कि जो हमारे पास सॉल्वेंट है वो हमेशा लो सॉल्यूट से हाई सॉल्यूट में मूव करता है। तो इस कंडीशन में हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है कि सॉल्यूट की मिकदार कम होती है सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। तो सॉल्यूट जो है वो कम से ज़्यादा की तरफ यानी सेल के अंदर मूव कर जाएगा। और जब सेल के अंदर मूव करेगा, सेल के अंदर मूव करने से सेल क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट मूव किया सेल के अंदर, तो सॉल्वेंट मीन्स वाटर, तो इसने सेल को स्वेल कर दिया, तो सेल हमारा टर्जिट हो जाएगा। टर्जिट मीन्स स्वेल हो जाएगा। इस कंडीशन को हम टर्जिट कहते हैं। सेल के स्वेल होने से सेल क्या करता है? ब्लास्ट कर जाता है, तो सेल डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो दिस कंडीशन इज नॉट सूटेबल फॉर सेल, ठीक है। हाइपोटोनिक जिसमें सॉल्यूट की कंसंट्रेशन आउटसाइड कम है इनसाइड ज़्यादा है और सॉल्यूट ने मूव करना है आउटसाइड से इनसाइड। अब लास्ट वन देखते हैं हमारा हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक में क्या होता है कि सॉल्यूट की कंसंट्रेशन बाहर ज़्यादा होगी, एक्सटर्नल सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट ज़्यादा है और इनसाइड कम है। तो कम से ज़्यादा की तरफ मूव करता है सॉल्वेंट। सॉल्यूट यहाँ पे कम है तो सॉल्वेंट अंदर से बाहर की तरफ मूव करेगा। तो जब सेल से वाटर मूव करेगा बाहर की तरफ यानी कि सेल में से वाटर क्या हो रहा है? रिमूव हो रहा है। तो जब वाटर रिमूव होगा तो सेल क्या करेगा? श्रिंक, सुकड़ जाएगा। रेड ब्लड सेल RBCs के साथ क्या होगा? वो श्रिंक करेगा और डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो ये भी कंडीशन जो हाइपरटोनिक है जिसमें सॉल्यूट ज़्यादा होता है एक्सटर्नल
सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है, ये बाहर वाले सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट ज़्यादा है तो कम से ज़्यादा की तरफ मूव किया, बाहर आ गया पानी, सेल छोड़ दिया, सेल से छोड़ दिया पानी, निकल गया तो सेल श्रिंक हो गया तो सेल डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो ये कंडीशन भी क्या है, सूटेबल नहीं है हाइपरटोनिक। तो ये था रिलेशन कि वाटर कार्ट सेल के साथ क्या रिलेशन है, हाइपरटोनिक में भी हमने स्टडी किया, आइसोटोनिक में भी, हाइपरटोनिक में भी। होप सो कि आपको तीनों जो स्टेप्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क, आई विल आंसर यू इंशाल्लाह। ओके, होप सो के उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा। अल्लाह हाफिज़।